অসমৰ দায়িত্বত থকা কেন্দ্ৰৰ কেন্দ্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত থকা জিতেন্দ্ৰ সিং এইকেইদিন অসম ঘূৰিছে, উজনি নামনি বিভিন্ন প্ৰান্ত ঘূৰিছে, বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে। মূলতঃ কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ মিত্ৰতা হ'লে কি হ'ব তাৰ ওপৰত খবৰ লৈছে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এক উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে জিতেন্দ্ৰ সিঙে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ মিত্ৰতাত বৰ সন্তুষ্ট নহয়, বৰঞ্চ তেওঁ বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ AIDFৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি বিরোধী অন্যান্য শক্তির সঙ্গে কংগ্রেস একত্রিত হোক, UDF পার্ট পিছলৈ যাওক। কিন্তু কংগ্রেসের একাংশ নেতাই প্রথমে AIDFৰ লগত বিচাৰিছে, পিছত বাকিবোৰ দলৰ কথা বিচাৰিছে। আজি জিতেন্দ্ৰ সিঙক এলায়েন্সৰ প্রসঙ্গ উত্থাপন করার তেওঁ জনায় যে আসলে তেওঁ বিচাৰিছে যে আঞ্চলিক দলসমূহ বা বিজেপি বিরোধী দলসমূহ একত্রিত হ'ব লাগিব, ধর্মনিরপেক্ষ দলসমূহ একত্রিত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে বিজেপিক পরাভূত কৰিব পৰা যাব। কি কৈছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙে? কোই ভি এলায়েন্স হোতা হ্যায় তো উসকে উপর जो हमारी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, जो कांग्रेस पार्टी की नींव है, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वोटर, उन सभी से हमें सहमति लेनी पड़ती है। अलायंस होता है तो कुछ हो सकता है कि कुछ सीटों के ऊपर दूसरे प्रत्याशी, दूसरी पार्टी के हमारे सहयोगी दल के भी प्रत्याशी चुनाव लड़ भी सकते हैं। जो वहाँ स्थानीय हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, वह हमारे नेता है, उनकी भी हमें सहमति देनी पड़ती है। तो मैं इस मौके पर यह कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पहल करेगी, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का आह्वान करती है। वी कॉल आउट टू दी सेक्युलर पार्टीज ऑफ द स्टेट जो आसाम को बचाना चाहती है, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ के कल्चर, यहाँ की आइडेंटिटी को बचाना चाहती है, उनका हम सब लोग स्वागत करते हैं। आसाम की जनता उनका स्वागत करती है और आप द्वारा मैं उनका आह्वान करना चाहता हूं कि आज ये चुनाव सिर्फ कोई कांग्रेस पार्टी को जिताने की बात नहीं है, ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी बात नहीं है, ये कौन मंत्री बनेगा उसकी बात नहीं है, कौन विधायक बनेगा उसकी बात नहीं है, आज ये चुनाव आसाम को बचाने का चुनाव है।